हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने आपको कहा था कि जो लोग खेल रहे हैं बच्चे आने वाले, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका। मोमिन अली। मोमिन अली, क्या पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती हैं इस काइंड ऑफ मैचेस में। पाकिस्तान से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है। सच बोल रहे हैं आप? जी, मैं सच बोल रहा हूँ। किस तरह से आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास क्या बेहतर है? उनके पास एक मैच विनर है विराट कोहली, और हमेशा आपने देखा होगा वर्ल्ड T20 में वो सिंगल हैंडेडली मैच विन कर देता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, उसको अगर जल्दी आउट कर लेता है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे आपको उम्मीदें हैं? शहीन, आमिर, नसीम, हारिस रऊफ, बाबर भी अच्छे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का जो मैच विनर है वो मेरे ख्याल से शहीन ही है। शहीन है, अगर वो ऊपर से आउट कर। बिल्कुल ठीक। कोई पैगाम पाकिस्तानी टीम के लिए? ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से उनके लिए, नेक ख्वाहिशात, और मेरी विराट कोहली के लिए भी नेक ख्वाहिशात है, क्योंकि मैं उनका फैन। ठीक हो गया जनाब। क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके, क्या सोचते हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेंगे, उम्मीद बहुत है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे आपको उम्मीद वाबस्ता है? बॉलिंग लाइन से बहुत उम्मीद। नाम लो ना, बताओ कोई पसंद है जो आपको, वो उसका नाम लो। नसीम शाह। मीर नसीम शाह। आपको लगता है नसीम शाह कुछ करेगा? इंशाल्लाह करेगा। आपका नाम भाई? क्या नाम है? नाम ही नहीं बताते हैं। नाम क्या? अली। अली, क्या उम्र है आपकी? मेरी 13 साल। 13 साल। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके क्या सोचते हो, क्या देख रहे हो? पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। ये तो एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश है ना? यस। एक क्रिकेट देखने वाला क्या देखता है कि ज़्यादा बेहतर दोनों में से क्या लगता है? फखर हमारा मैच जिताएगा। यस। ठीक है, और कौन है जी? हाँ जी, कौन सा प्लेयर जिससे उम्मीदें वाबस्ता है? बॉलिंग में तो शहीन शाह से है, और बैटिंग से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, क्या हुआ, थके क्यों? बॉलिंग करके आ रहे हो? हाँ जी। क्या करते हो, फास्ट करते हो? नहीं, बॉलिंग नहीं करता हूँ। बैट्समैन। बैट्समैन, हाँ जी। क्या कोई लंबी इनिंग्स खेल के आए हो? नहीं, थोड़े परेशान लग रहे हो। कितनी देर खेलते हो, कितनी देर प्रैक्टिस करते हो खुद? पहले वहाँ पर कैंप पे खेलते रहो, फिर थोड़ी देर यहाँ पर प्रैक्टिस की है खुद, फिर कैचिंग प्रैक्टिस की है, फिर फील्डिंग की है। ठीक है। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप? क्या नाम है? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके क्या है आपके दिल में? देखें, पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच होता है, सबसे पहली बात है टॉस पे डिपेंड करता है, जो टीम टॉस जीतेगी उसके चांस ज़्यादा होते हैं मैच जीतने के, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान। दूसरी बात है, पाकिस्तान टीम पर प्रेशर होगा, क्योंकि उधर ना तो उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो इंडिया पहले उधर प्रैक्टिस मैच खेल चुका है, तो इस वजह से पाकिस्तान में प्रेशर होगा। लेकिन नो डाउट पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बाबर आजम, रिजवान हो गया, आमिर हो गया, और उनके पास कोहली, तो हमारे पास अमर भी है, तो डरने की कोई बात नहीं पाकिस्तान टीम को। इंशाल्लाह मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ पाकिस्तान ने जीत जाना। तो आप पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी, आमिर पर ज़्यादा आपकी उम्मीदें? नहीं नहीं, मेरी बाबर पर उम्मीदें। जी जी, चलें, बाबर तो कैप्टन भी हैं और खिलाड़ी के तौर पर भी उनके ऊपर उम्मीदें हैं, तो आप कह रहे हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तानी टीम? नहीं नहीं। कोई और पाकिस्तानी टीम से कुछ कहना चाहते हैं? पाकिस्तान टीम से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूरी दुनिया देखती है, पाकिस्तान को प्रेशर में नहीं खेलना चाहिए। बाबर को पता है, हमसे सीनियर प्लेयर, पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको पता है सिचुएशन का, कौन सा प्लेयर कहाँ खिलाना है, कोर्ट से कहाँ खिलाना है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान को खेलना चाहिए। बड़े जोश खरोश के साथ ग्राउंड में उतरे, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। तो मोहम्मद आसिफ, क्या पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? वैसे तो ये किसी पाकिस्तानी से पूछ रहे हैं, ये अजीब सी बात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। क्यों लगता है कि पाकिस्तान के पास क्या बेहतर है? पाकिस्तान की सर जी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, और बैट्समैन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप देखें कि कौन सा खिलाड़ी ऐसे है जिससे, जो आपको ज़्यादा पसंद है या जो आपको लगता है कि यार ये कुछ करेगा? इंशाल्लाह बाबर आजम बेस्ट करेगा, और रिजवान दोनों में। बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों से आपकी उम्मीद? इंशाल्लाह। और बॉलिंग में शाहीन। इंशाल्लाह बॉलिंग में शाहीन। खुद कितनी प्रैक्टिस करते हो आप? किस जैसा बनना चाहते हो आप जी? किस जैसा, किस खिलाड़ी जैसा बनना चाहते हो? नहीं, बंदा खुद ही प्लेयर होना चाहिए, अपना मतलब अपना नाम होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, यानी आपका अपना नाम होना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त यार। तो आपको ये हम दिखा रहे थे कि जो टैलेंट है पाकिस्तान का, यहाँ पे इन ग्राउंड में आके खेलते हैं इस गर्मी में, जिस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये पाकिस्तान से उम्मीदें लगाई हुई हैं,
सभी प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन चंद एक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ख़ासतौर पर अब बाबर आजम का नाम आप बार बार सुन रहे थे जी, तो जी। मैंने कहा अब आप बताएं कि ये जो विनिंग कम्बिनेशन बार बार कहा जाता है ये तो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रेपरेशन वाइज अगर देखा जाए तो वी आर स्लाइटली बिहाइंड। उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो साइम अयूब और आज़म खान की शक्ल में हमने जो दो खिलाड़ी जो है ना इनको जो हमने टेस्ट किया है ना दे हैवंट कम अप टू द मार्क। उसकी वजह यही है कि आज़म खान को आप देखें कि मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान के होते हुए उन्होंने कीपिंग भी की है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास अब मोहम्मद रिजवान की शक्ल में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर और ओपनर हमारे पास मौजूद है, बट वी हैवंट गॉट ए प्लेयर ऑफ हिज क्लास। ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये अप टू द मार्क वो नहीं है जो हम बात करते हैं कि मैच विनर्स हैं, और मोहम्मद रिजवान इज़ अ मैच विनर। उन्होंने कैप्टनशिप भी की हुई है, प्रेशर को बेयर भी करते हैं, ओपन भी करते हैं, और उनको पता है कि मैंने T20 क्रिकेट की जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि डॉट बॉल अगर मैं कम खेलूँगा तो मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और मेरे रन्स बनाने के भी ज़्यादा हैं, और वो कुछ अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट भी खेलते हैं, कभी वो स्लॉग स्वीप खेल जाते हैं, कभी वो रिवर्स स्वीप खेल जाते हैं, कभी मिड ऑन और मिड ऑफ को बड़ा अच्छा वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई थिंक बाबर आजम को एक चीज़ समझनी चाहिए कि उसको कॉरिडोर्स के लिए नहीं खेलना, उसको पाकिस्तान के लिए एज ए कैप्टन बाबर आजम और जो अपोजिशन है उसको चांस नहीं देना कि वो मुझ पर हावी हो जाए। ये खान साहब पहले भी इस तरह कभी हुआ किसी एक कप्तान पे तनकीद हुई कि इसने दोस्तियों को परवान चढ़ाया, हालांकि बाबर आजम नो डाउट प्लेयर के तौर पे कप्तान के तौर पे एक अच्छे कप्तान साबित हो रहे थे। देखिए जी फरुख भाई, कैप्टन्स आर बॉर्न दे आर नॉट बीइंग मेड। बाबर आजम की एक बड़ी ही एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वो मेरे सामने ग्रो किया उसने एज ए क्रिकेटर, और उसने अपने आप को ना उस लेवल पर जो पहुँचाया है फ्रॉम अंडर 19 टू दिस लेवल। तो अब जितने भी लोग उसको फॉलो करते हैं ना, ऑब्वियसली आपने जो नाम लिया है इससे बड़ा क्रिकेटर नहीं आया पाकिस्तान में, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुंह बोलता सबूत है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि बाबर आजम को एज ए जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी ना तो मैं ये फील कर रहा था कि ये इज़ डन अ राइट जॉब। उन्होंने जो ये कैप्टनसी इज एडिट प्रेशर। आप कह रहे हैं कि बतौर खिलाड़ी वो ज़्यादा बेहतर जा रहे थे। ऑफ कोर्स वो एज ए कैप्टन ना उसको बहुत सारे फ्रंट को ना वो देखना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी गेम में ना जो चेंज लानी पड़ती है ना वो कैप्टन का प्रेशर जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। अगर आप एज ए क्रिकेटर हैं आपने जाके मीडिया को फेस नहीं करना, आपने जाके किसी को इंटरव्यू नहीं देने, आप अपने कमरे में सोली आप जो है ना क्रिकेट को कंसंट्रेट कर रहे हो। तो बाबर आजम एज ए क्रिकेटर इज़ मच मोर डेंजरस देन एज ए कैप्टन। तो कैप्टन का एडिट प्रेशर होता है और उसको ग्राउंड में प्रूव करना होता है, टीम जब हारती है तो तमाम जो क्रिटिसिज्म है ना वो कैप्टन को लेना पड़ता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ब्रेक लेंगे।